भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की MLA मालनी गौड़ का जो बयान सामने आया है, उसने नाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को तालिबानी नारा कह के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में एड्रेस किया है, उसकी हम भरपूर तरीके से मदम्मत करते हैं। बहुत ही शर्मनाक घटना हुई है और जिस तरह से हमारी भारत माता की जय बोलने वालों को मंच से उस बिटिया को उतारा और वहाँ या हुसैन के नारे लगे, तालिबानी संस्कृति थोड़ी, इस पर पूरी एक्शन होना चाहिए और जिसने वहाँ कार्यक्रम करा उस पर भी एक्शन होना चाहिए। BJP का पूर्व में कार्यकर्ता रहा है वो, और अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज का व्यक्ति और मुस्लिम समाज ने वहाँ या हुसैन का नारा लगाए। भारत में रह रहे हैं तो भारत माता की जय बोलना पड़ेगी, वंदे मातरम बोलना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ से उनको निकाला जाए। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सबके विश्वास की बात करते हैं, जो इस वक्त भारत के प्रधानमंत्री हैं वो सबके विश्वास की बात करते हैं, और वो खुद इंदौर में जाके इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मजलिस में बौरियों के यहाँ शिरकत कर चुके हैं। नाम हुसैन तालिबानी नारा दिखाई देता है, तुमको तालिबान में और इंसानियत में कोई तमीज़ नहीं है कि कौन सा तालिबानी नारा है कौन सा इंसानियत का नारा है। बड़े ही अफसोस की बात है, ऐसी मालनी गौड़ जैसी विधायिका को फौरन भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदारों को पार्टी से निलंबित करना चाहिए है, और उसके ऊपर कठोर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा था कि मैं तुम्हारी सरहदों से दूर हिंदुस्तान जाना चाहता हूँ जहाँ मुसलमान तो नहीं इंसान रहते हैं। तुम्हें तालिबान में और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में कोई फ़र्क नहीं मालूम है? विधायिका जी, कम से कम इतिहास पढ़ लो, उसके बाद में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ऊपर कुछ शब्द बोलो। मैं ऑल इंडिया शिया पसला बोल की जानिब से मालनी गौड़ जैसी विधायिका या जो जो लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं, जुमलेबाजी कर रहे हैं या ताज़िए के मामले में अड़ंगे लगाए जिन जिन लोगों ने, उन सब की मैं भरपूर तरीके से मदम्मत करता हूँ।